गुरदासपुर के हीरापुर के बीजेपी पार्टी के मौजूदा सरपंच अपने पांच साथियों से मिलकर अपने ही होटल में एक औरत के साथ करता रहा एक महीने तक गैंगरेप और बाहर से भी लोगों से पैसे लेकर करवाता था रेप। वहीं बाहर से आए लड़का ने उसकी दर्द भरी दास्तान सुनकर उस औरत को वहां से भगा दिया। औरत ने वहां से भागकर पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर एक दोषी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बीजेपी पार्टी का सरपंच और उसके साथी अभी भी फरार है। पुलिस दोषियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। सर आजे और सन्नी और डैनी और विनोद और वो जड़े मालिक होटल दे इन्होंने मेरे ना इन्ना कर गलत किया है कि हदों वध ठीक है। इन्होंने मैनू 24 तरीक तो लैके 2 तरीक वह भी कोई बेपहचान सी इन्ना दे बंदा सी मेरे ते तरस खादा। उन्होंने मैं अपनी सारी फीलिंग दसी मैं भाजी मेरे इदा का होया उन्हें बेचारे ने डरते डुरदे इन्हों की मतलब ड्रिंक च कुछ मिलाया इस करके ने बेचारे ने मैं बाहर कड़े ने मैं पैसे भी दिते ना इन्होंने सर पूरा महीना 3-4 दिन मिले तो इन्होंने दसिया कि साड़ी नूं नूं करीब 35 दिन दे उत्तों सन्नी ते विनोद पुत्र डैनियन मसीह ते मनकी दी साजिश दे नाल इन्हां ने जेपी होटल झंडे चक विच रख्या वा ते इहदे नाल मतलब कि नजायज़ संबंध बनांदे रहे ते शरीरक शोषण करके पैसे कमांदे रहे। बटाला से सुखबीर सोखी जीवे पंजाब टीवी।